गाजियाबाद का कविनगर थाना क्षेत्र इस वक्त अखाड़ा बन गया है। एक ओर विपक्ष की पार्टी आरएलडी धरने पर बैठी है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के वैचारिक लोग यानी कि आरएसएस के लोग हैं। दोनों के बीच जमकर घमासान मारपीट हुई, उसके बाद थाने में जमकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद में आरएसएस का बालपथ संचलन निकल रहा था। इसी बीच आरएसएस के लोगों का आरोप है कि एक बाइक संचलन में आ गई, विरोध करने पर दो लोगों को पीट दिया गया। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऐसे में मामला कविनगर थाने पहुंच गया। मामले को गंभीर देखते हुए दूसरे पक्ष की ओर से आरएलडी के कुछ लोकल नेता जुट गए, जिन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ आरएसएस वालों की सुनवाई कर रही है। युवक के दादा ने रोते हुए कहा कि उनके पोते के साथ भी मारपीट की गई है। ये तो गलत है ना, एक तरफ क्या बच्चे के माता पिता यहाँ मौजूद हैं? बाबा ये खड़े, ये चोट लगी है। सर क्या नाम है आपका? किशन पाल जी, क्या प्रकरण हुआ आपके बच्चे के साथ? मारपीट। आपके पोते हैं, क्या नाम है बच्चे का? ये साथ में थे। घर का नाम देवान जी। अरुण, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? आप बताइए, जब बताएंगे उसी के आधार पे बात होगी। तो क्या आपके बयान अभी तक लिखे नहीं गए हैं? क्या आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट लिखी गई है? नहीं, कोई नहीं। एक तरफा कार्रवाई जी, शासन आजकल बीजेपी का, बीजेपी वाले जो हम पे दबाव बना रहे, पुलिस पे दबाव बना रहे, हमारे ऊपर रिपोर्ट लिखवा रहे, हमारे आदमी को छह जगह नाम लिखवा रहे। जब मौके पर आदमी सिर्फ दो है, एक तो बच्चा वो है और ये बाबा है, तो ये तो हो रही है कि भाई हमारे ऊपर दबाव बनाओगे। तो इस चीज को हम कहना चाह रहे हैं कि एक तरफा हमारे तरफ रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए दोनों तरफ। ये हमारा फैसला हो, सुनवाई दोनों तरफ होनी। तो आपको लगता है कि भाजपा जनता पार्टी की वजह से आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही? नहीं लिखी जा रही, सिर्फ ये कार्रवाई जो करी जा रही है एक तरफा करी जा रही है हम लोगों पे, उनका बीच बिछाव करना ये है। तो आरोप ये है कि थाना कविनगर में आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही आरएलडी की। हमारा कहना ये है कि आप ईमानदारी से कार्रवाई करें जी। अगर आपके पास कोई फोटो जाए, हमारे लोगों ने गलती करी है, तो हम उसे स्वीकारेंगे। अगर हमारे लोगों की गलती नहीं है और आरएसएस वालों की इनकी गलती है, तो कार्रवाई इन पे हो, ना कि हमारे पे हो। भाई आरएसएस के लोगों का कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि हमारे लोग आरएसएस के ड्रेस में थे। उनके दो लोगों को बंधक बनाकर पीटा गया, पुलिस की मदद से दोनों लोगों को छुड़ाया गया। वही हंगामे और मामले को गंभीरता से देखते हुए थाने में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।